अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है? मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए तमाशा घर में भी एक व्लॉग बना लूँ। आप लोगों ने मुझे देखा तमाशा घर में और बहुत मोहब्बत आप लोगों ने शो की, और मैं जब निकली एलिमिनेट हुई तो आप लोगों के गुस्से ने मुझे और रियलाइज़ कराया कि आप लोग तो बहुत प्यार कर रहे हैं नताशा से, उसकी जो खरापन है उससे बहुत मोहब्बत कर रहे हैं। और हाँ, ये मेरी नेचर है जो आप लोगों ने देखा है। मैं तमाशा में बिल्कुल कोई एक्टिंग कौन कर सकता है? 46 डेज में वहाँ पे रही उस घर में, और 46 डेज में किसकी असलियत नहीं निकलती। तो मेरा तो मसला है शुरू से कि मैं प्रिटेंड नहीं कर पाती हूँ। जो मेरे जानने वाले हैं, जो मेरे घर के लोग हैं, जो मेरे करीबी हैं, वो सब तो जानते ही हैं कि प्रिटेंड करने वालों में से तो मैं हूँ नहीं। तो जिस बात पे गुस्सा आता है वो गुस्सा सामने दिखा देती हूँ, दिल में कुछ नहीं रखती हूँ। तो एनीवे, इस पे मैं एक व्लॉग और बनाऊंगी डिटेल्ड। अभी मैं जा रही हूँ फिनाले के लिए, फिनाले की रिकॉर्डिंग है ARY साइट एरिया। आई होप किसी डिजर्विंग इंसान को जितवाया जाए, जैसा कि आप लोगों ने तो मुझे विनर करार दे दिया हुआ है। आप लोगों ने मोहब्बत देकर, अपने दिलों में जगह देकर, विनर तो मैं हूँ आप लोगों की, शेरनी आप लोग मुझे कहते हैं। लेकिन आज ट्रॉफी किसको मिलने वाली है वो देखना है कि इंसाफ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो पॉजिटिव रहा, जो अच्छे तरीके से चला, उसको होना चाहिए। इट्स नॉट बीइंग कि मैं फ्रेंड हूँ उमर शहजाद की, तो मैं उसको सपोर्ट करूँगी, बट आई थिंक उमर को ही ये ट्रॉफी जीतनी चाहिए। बिकॉज जिस तरह से, जिस टूटे हुए दिल के साथ वो इस घर में एंटर हुआ था, और फिर जैनब से उसकी दोस्ती हुई, जैनब एलिमिनेट हो गई तो वो अकेलापन महसूस करने लगा था। उस दौरान अली सिकंदर और मैं उस घर में उसको पॉजिटिव वे से खोलने की कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी नेचर को जो है वो सामने लाए। घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक, आई होप कि उमर को आप लोगों ने ज़्यादा वोट किए होंगे और उमर को ये ट्रॉफी जीतनी चाहिए तमाशा 2 की। और अभी बस मैं रास्ते में हूँ, आई एम गोइंग देयर। रास्ते में मुझे अपनी डिज़ाइनर से ड्रेस कलेक्ट करनी है, और कलेक्ट करने के बाद मुझे साइट एरिया ARY स्टूडियो जाना है, जहाँ हमारे फिनाले का सेट लगा हुआ है। और मैं एक बार फिर बता दूं कि आप लोगों ने अपने प्यार और अपने मोहब्बत से मुझे जितवा दिया हुआ है, और मैं जीती हुई हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। मैं अपने इंस्टा पर लाइव आई थी उस दिन, जिस दिन मैं एलिमिनेट हुई थी, और मेरी आंखों में आंसू थे और मैं बड़ी परेशान थी। लेकिन जैसे जैसे मैं आप लोगों के रिस्पॉन्स को देखती गई, और जैसे जैसे मैं मैसेजेस को देखती गई, मुझे बहुत 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 खुशी हुई कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। आई एम वेरी हैप्पी। और इसमें कोई शक नहीं है कि जीतता वही इंसान है रियलिटी शोज में या जिंदगी में, जो इंसान इंसानों के दिलों में मोहब्बत पैदा करता है। तो मैंने आप लोगों के दिल जीते हैं, तो इसका मतलब है कि आई एम द विनर। अब देखना है आज कि ट्रॉफी किसको जा रही है। तो चले, मैं आपको वहां पे भी लेके जाऊंगी, और सबसे थोड़ा थोड़ा मिलवाऊंगी भी, और इंशाल्लाह आई होप कि उमर शहजाद जीते। बाकी जो भी जीते वो उसकी किस्मत है, वो उसकी लक है। थैंक यू। जी, वो आ गए, वो बॉस आ गए, बॉस आ गए, बॉस। से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। वीर मुझे कह रहा है तो मैं आ रही हूँ, आपको किस बात की तकलीफ हो रही है? आज से, अब से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी। पर मुझे यहाँ बैठ के डायन बोला था, और तुम ये एक्सपेक्ट करोगे मुझसे कि मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगी कि ये तुम्हारी तरबियत है? समझ आई? चुप, जाइए।
जाहिल नाश्ता बनाया, बदतमीजी क्या करता जा रहा है आप? दोपहरी डर डर के नहीं चलूंगी, कैंडल जला के सैंडल दिखा के मर मर के बात होती है, बर्दाश्त नहीं होती तो लाउड हो जाती हूँ। मैं भी जोकरों वाले पहने हुए हैं और हरकतें भी जोकरों वाली कर रही हूँ। जिस दुनिया में माँ बहने रिश्ते नहीं है काली है, उस दुनिया से मर्यादा के रिश्ते सारे तोड़ूंगी। कदम मिला के देखो तो मैं साथ में तेरे चल दूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। अंग्रेजी पढ़ती कभी कोई विक्टोरिया तू कहती बिग के पीछे पीछे लगूंगा पूरा लंदन झुमकता तू कहती बिग बैंग ज़रा भी है भूल लंदन झुमकता उनको बताइए ना ताशा पूरा लंदन बड़ी बातें कर रहे थे तुम मेरे इर्द गिर्द घूमोगे और ये सीधा उसने मेरे माथे पे आके डांग मारा। तू होगी वन टू टू ओ कुड़िए वन टू टू ओ होगी मुंडे दी एक होता है इलेक्ट्रिक नेक चप के अखियां ब्लोरी जट्टा मार दिया डब के मैं सट दित चंगा गया कल रात में मीटिंग में नहीं था जुनेद का वो सीना आप किधर है बैठेंगे हम अपनी आंख के लिए इंतजार करेंगे। चन दी कुड़ी बदलों दी भैन सर तेनू बिजली बिजली कैन जिदे उत्ते गिरदी बचदा भी कख नी तारे भी डर के रहन ओ सिंड्रेला तेरे उत्ते आया दिल मेरा घुंगरू पा के नचाया आ जिहड़ा काला कंजण पाया लुधियाणा सारा ही पिछे लाया लुधियाणा सारा ही पिछे लाया तेरे तक के गोरिए नैन चन दी कुड़ी बदलों दी भैन सर तेनू इंसान चमक गए मित्रां दी बिलो सरदारी चेक कर मैं गा मित्रां दी बिलो मित्रां दी बिलो सरदारी चेक कर मैं गा मित्रां सज के जो आए तू अखियों के सामने नजरा लगे ना मेरिया ओ मेरे माये जिन्ना सोना ना।
ਕਾਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਮੌਣ ਕਾਸ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਚੱਕੀ ਖੜੇ ਆ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕੌਣ ਕਾਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਚਾਂਦੀ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ।